Hello friends, welcome back to Best English School online class standard senior KG में alphabet मैंने आपको सिखाया है बेटा, हाँ capital letter and small letter दोनों का difference मैं बता रही हूँ साथ में लिखे, तो A से O तक मैंने सिखाया है, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for god, H for hand, I for import, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl. अभी आज मैं आपको सिखा रही हूँ P, Q, R, S, T. P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, और T for tiger, table, tree. हैं बेटा? हाँ. तो यहाँ आपको रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपकी बुक्स मैंने ड्रॉ की है, देखो आपकी बुक्स आपने देखी है नोटबुक्स, तो ऐसे रेड लाइन और ब्लू लाइन ड्रॉ की होती है. तो सबसे पहले ओ तक तो मैंने आपको सिखाया, अभी पी से स्टार्ट करती हूँ. तो कैपिटल पी कैसे लिखते हो यहाँ लिखो, ऊपर की रेड लाइन से नीचे की ब्लू लाइन आपको स्टैंडिंग लाइन करनी है और पी कर्व बनानी है. तो ये हुआ आपका कैपिटल पी. अभी स्मॉल पी, तो स्मॉल पी आपको ब्लू लाइन से नीचे की रेड लाइन तक जाना है स्टैंडिंग लाइन और कर्व, ये हुआ स्मॉल पी. ये कैपिटल पी स्मॉल पी. अभी पी आफ्टर क्यू, तो क्यू आपको क्या करना है, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक, ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आपको सर्कल करना है और यहाँ रेड नीचे रेड लाइन तक आपको स्लैंडिंग लाइन. तो ये हुआ आपका कैपिटल क्यू. स्मॉल क्यू लिखना है आपको, तो क्या करोगे बेटा, दोनों ब्लू लाइन ऊपर की नीचे ब्लू लाइन है ये, उसको हाफ कर करके उसे आपको रेड लाइन से, सॉरी ब्लू लाइन से नीचे रेड लाइन तक लेके जाना है और स्लैंडिंग लाइन करनी है. तो ये हुआ आपका स्मॉल क्यू. पी क्यू आर, आर में आपको ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, ओके, फिर रेड लाइन से ब्लू लाइन तक कर्व बनाए और स्लैंडिंग लाइन ब्लू लाइन तक. तो ये हुआ आपका कैपिटल आर. क्या हुआ बेटा, कैपिटल आर. अभी स्मॉल आर लिखना है, तो दोनों ब्लू लाइन, ओके, तो आपको स्ट्रेट लाइन करके ऐसे कर्व करके राउंड करना है. तो ये हुआ स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. देखो कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल आर स्मॉल आर. अभी कैपिटल एस, कैपिटल एस आप कैसे लिखोगे, रेड लाइन से ब्लू लाइन तक, ऊपर की रेड लाइन से नीचे ब्लू लाइन तक कैसे कर्व बनाना है. तो ये हुआ कैपिटल एस. अभी स्मॉल एस, स्मॉल एस दोनों ब्लू लाइन में आपको ऐसे, देखो पेंसिल कैसे जाती है, टीचर कैसे लिखते हैं, है ना, दोनों ब्लू लाइन में आपको स्मॉल एस लिखना है. अभी आता है टी, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आपको रेड लाइन में स्लीपिंग लाइन और ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन. तो ये हुआ आपका कैपिटल टी, ओके. स्मॉल टी आपको कैसे लिखना है, स्मॉल टी ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और ऐसे कर्व करना है और स्लीपिंग लाइन. तो ये हुआ आपका स्मॉल टी. फिर से बता रही हूँ, कैपिटल टी ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन. तो ये हुआ आपका कैपिटल टी. स्मॉल टी ब्लू लाइन से नीचे की रेड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन करना है और कर्व. तो ये हुआ स्मॉल पी. कैपिटल क्यू ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आपको सर्कल करना है और यहाँ से स्लैंडिंग लाइन रेड लाइन तक लेके जाना है. तो ये हुआ आपका कैपिटल क्यू. स्मॉल क्यू कैसे लिखना है, दोनों ब्लू लाइन से आपको टच करके कर्व लाइन और फिर आपको यहाँ स्टैंडिंग लाइन करके स्लैंडिंग लाइन करना है. तो ये हुआ स्मॉल क्यू. कैपिटल आर ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर स्लैंडिंग लाइन, देखो. तो ये हुआ आपका कैपिटल आर.
स्मॉल आर दोनों ब्लू लाइन में स्ट्रेट लाइन और यहां ऐसे राउंड कर लेंगे, तो ये हुआ स्मॉल आर। कैपिटल एस ब्लू लाइन से रेड, ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आपको ऐसे कवर करना है, तो ये हुआ आपका एस, एस फॉर सन। स्मॉल एस दोनों ब्लू लाइन में आपको ऐसे लिखना है, तो ये हुआ स्मॉल एस। ओके, कैपिटल टी ऊपर की रेड लाइन से स्लीपिंग लाइन और ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, तो ये हुआ कैपिटल टी। स्मॉल टी ऊपर की रेड लाइन से स्टैंडिंग लाइन और ऐसे कर्व बनाए और स्लीपिंग लाइन, तो ये हुआ कैपिटल स्मॉल टी। अभी कैपिटल टी फिर से दिखा रही हूँ, ध्यान रखो आप जब भी लेटर लिखो बुक में तो वैसे कैपिटल और स्मॉल दोनों का डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। ओके, बुक में लाइन ड्रॉ की होती है ना, ब्लू लाइन रेड लाइन, ब्लू लाइन रेड लाइन, क्यों ड्रॉ की होती, आपको लिखने के लिए सीखना है सही तरह से इसके लिए। ओके, तो कैपिटल की लास्ट देखो, यहाँ रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन, तो ये हुआ कैपिटल पी। स्मॉल पी ब्लू लाइन से नीचे की रेड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन कर देंगे और कर्व लाइन, तो ये हुआ स्मॉल पी। कैपिटल पी ऊपर की रेड लाइन से ब्लू लाइन तक सर्कल करो और स्टैंडिंग लाइन करो, तो ये हुआ कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू हाफ कर्व है ना, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन तक, ये स्टैंडिंग लाइन आपको ब्लू लाइन से नीचे की रेड लाइन तक आनी चाहिए। कैपिटल आर रेड से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन तक, तो ये हुआ कैपिटल आर। स्मॉल आर ब्लू लाइन में स्टैंडिंग लाइन और कर्व करके सर्कल करना है, तो ये हुआ स्मॉल आर। कैपिटल एस रेड लाइन से ब्लू लाइन तक ऐसे, तो ये हुआ कैपिटल एस। स्मॉल एस तो ये दोनों ब्लू लाइन में टच करके लिखना है, तो स्मॉल लेटर हुआ टी। टी कैपिटल टी रेड लाइन से स्लीपिंग लाइन और रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, तो ये हुआ कैपिटल टी। स्मॉल टी रेड लाइन से ब्लू लाइन तक नीचे देखो, यहाँ स्टैंडिंग लाइन और कर्व लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो ये हुआ स्मॉल टी। तो मैंने आज आपको टी फॉर पैरा, टी फॉर पैन, टी फॉर पैन, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रेड, आर फॉर रेबिट, एस फॉर सन है, फिर टी फॉर टाइगर, टी फॉर टेबल सिखाया। पी से टी तक ऐसे आपको फोर लाइन की बुक में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर डिफरेंस मैंने बताया, वो आपको वैसे लिखना है। ओके बेटा, तो आप बुक में टी तक मैंने आपको लेटर सिखाया है, तो आप लिखोगे ना ऐसे सही तरह से बेटा, रेड लाइन ब्लू लाइन को टच करके ध्यान रख के लिखना है बेटा आपको। ओके बेटा, बाय।